गाइस फाइनली हम लोग वहां से अपना कार का डिलीवरी एक्साइटेड हो कि नहीं हो सेकंड कार की डिलीवरी सेकंड कार फाइनली डन हो चुका भाई साहब मतलब क्या बताए क्या फील आ रहा चला के मतलब आसिफ कैसा लग रहा बैठ के सो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो कैसे हो आप लोग सो यस गाइज जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि इस वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है सो यस आज हमारा सेकंड कार का डिलीवरी मतलब समझ रहे हो हम लोग के पास पहला कार फॉर्च्यूनर है दूसरा कार का आज हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए एंड कौन सा कार है वो है एक फैमिली के लिए मतलब छोटा के लिए क्योंकि फॉर्च्यूनर क्या होता है कि हम लोग लोकल यूज़ के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसके लिए हम लोग को एक छोटा कार चाहिए था तो वो हम लोग लेने वाले हैं i10 लेने वाले हैं i10 ब्लैक कलर का भाई साहब लास्ट व्लॉग में जाके हम दिखाए थे कि कितना बीस्ट लग रहा है मतलब क्या बताया भाई साहब अलॉय व्हील्स के साथ में सब कुछ है सब कुछ मतलब कि एक नंबर लग रहा है लोकल यूज़ के लिए जैसे कि मम्मी मम्मी डॉक्टर के पास लेके जाना होता है नानी घर का भी जाना होता है तो फॉर्च्यूनर लेके जाने में दिक्कत होता है इसके लिए एक छोटा कार मस्ट नीड होता है भाई साहब तो इसके लिए एक छोटा कार हम लोग जा रहे हैं आज लेने के लिए लास्ट वाले व्लॉग में गए थे दिखा के आए थे आप लोगों को कैसा क्या है नहीं है उसके बाद आज चलना है हम लोग को कार लेने के लिए तो बाकी फटाफट से आज फ्राइडे है सो फटाफट से नहा आके फ्रेश होकर नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं उसके बाद नमाज़ करके लंच करके नमाज़ पढ़ के लंच करने के बाद फिर निकलेंगे हम लोग कार लेने के लिए बाकी देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं कौन कौन जाता है फ्रेंड्स लोग जाते हैं भाई भी बोलता भाई को भी लेके जाते हैं बट देखते हैं कौन जाता है कौन नहीं एंड भाई अगर नहीं जाएगा तो फिर घर पे लाके दिखाएंगे मम्मी लोग तो देखी नहीं है कार भाई भी नहीं देखा है बस फोटोज़ वगैरह में देखा है अब लाके दिखाते हैं मम्मी लोग को देखते कैसा लगता है मम्मी लोग को कार एंड भाई लोग को बाकी फ़िलहाल फटाफट से अभी नहा वहा के फ्रेश होते हैं उसके बाद फिर हम जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं मतलब कि क्या पता है दूसरा कार के लिए मतलब ये कार मस्त लग रहा है छोटा सा क्यूट सा एक बीस्ट लग रहा है समझ लो बाकी फटाफट से रेडी होते हैं आयरन करते सारा काम अभी उसके बाद थोड़ी देर में लेके आते हैं ब्लैक ब्यूटी बस बॉयज फिलहाल अभी नहा वहा के फ्रेश हो चुके हैं एंड कुर्ता वगैरह पहन लिए है एंड अभी हम लोग चलने वाले हैं नमाज पढ़ने के लिए बाकी आसिफ क्या बोल रहे हो कार के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं हो एकदम क्या मतलब क्या मतलब आसिफ बोला कि वो भी जाएगा बट वो नहीं जाएगा जाएगा क्या देखते अगर मौका मिला जाने का इसको लेके तो इसको भी लेके चलेंगे और अगर नहीं मिला तो फिर इसको लेके नहीं जाएंगे बाकी फटाफट से अभी चलते हैं जुमा का नमाज़ पढ़ने के लिए उसके बाद आके फटाक से लंच करेंगे उसके बाद निकलेंगे अपना i10 लेने के लिए तो इस फिलहाल अभी नमाज नमाज पढ़ के हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी ये चेक करो भाई आसिफ चला रहा है पैशन प्रो क्या मतलब आसिफ कब सीखे गाड़ी चलाना बुलेट क्या मतलब आसिफ गाड़ी चलाना कब सीखे बहुत दिन हो गया तो निकलते भाई आसिफ को भी सिखा दिए गाड़ी चलाना बाकी इसको भी खाली R15 नहीं देते हैं आप लोग कमेंट करिएगा तो देंगे इसको R15 मांगता तो है R15 किसी की R15 चलाएंगे बोले नहीं R15 नहीं मिलेगा पैशन प्रो चला लो बाकी चलते हैं फटाफट से घर फिर लेट्स सी बस बॉयज फिलहाल अभी घर आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के एंड फटाफट से मम्मी से भी हम लोग लंच मांगे कि लंच निकाल के दे दीजिए हम लोग फटाफट से लंच करते हैं उसके बाद देखते हैं कि कैसे चलना है क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि जिनसे हमको कार लेना है वो अंकल मतलब जिसका कार है उसको भी कुछ काम है वो फिर कोलकाता निकल जाएगा इसके लिए हमको फटाफट से जल्दी चलना पड़ेगा बाकी देखते हैं कोई फ्रेंड्स को लेते हैं कि भाई के साथ जाते हैं कैसे क्या करते हैं जब तक खाना खाए तब तक सोच लेते हैं फिलहाल अभी हम लोग का लंच वगैरह हो चुका है सब कम्प्लीट एंड भाई हम अपना वॉच पहनते हैं और बाइक के चाबी लेते हैं सो हम आसिफ के साथ ही जाएंगे हम आसिफ और मेरे एक फ्रेंड को लेते हैं साथ में क्योंकि फिर वही मेरा बाइक ड्राइव करके आएगा एंड हम आसिफ कार से आ जाएंगे बाकी फिलहाल यही सारा कुछ है अब लेट सी चलते हैं चल के कार लेके आना है भाई साहब न्यू कार का एक्साइटमेंट जो होता है मतलब क्या बताएं एक न्यू कार का मतलब कि आप जब भी एक नया कार लेने जाओ ये नहीं कि न्यू कार मतलब कि नया वैसे भी i10 तो आप लोग देखा था कि सेकेंड हैंड है बट भाई सेकेंड हैंड हो थर्ड हैंड हो फोर्थ हैंड हो कोई मतलब नहीं है कार मीन करता भाई तो कार चाहिए बस और कोई दिक्कत नहीं है अभी देख लो ये जगह खाली है अभी वहाँ पर एक और कार रहेगा पहले एक और कार था यहाँ पर ऑल्टो था वो हट गया तो अब i10 आएगा भाई साहब और अपना ये तो घोड़ा खड़ा है यहाँ पे भाई साहब देख लो बाकी फटाफट से चलते हैं चल हो गया रेडी क्या मतलब आसिफ नया कार लेने जा रहे हैं चलो हाँ चलो क्या बात है एक्साइटेड हो कि नहीं हो छोड़ देते हो लेके नहीं चलते हैं जाना है कि नहीं आना है चला जाए बाकी फटाफट से चलो निकलते हैं अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं हम आसिफ और एक फ्रेंड थोड़ा कैश ले लेते हैं कैश का भी नहीं इसके लिए अरे भाई फिलहाल आ चुके हैं फाइनली लोकेशन पे ये चेक करो हाटन रोड में लोकेशन है चल रहे अभी गाड़ी के पास क्या बोल रहे हो आसिफ अरे 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 चलिए चलिए जल्दी क्या बात है एक्साइटेड हो कि नहीं हो सेकंड कार की डिलीवरी तब डिलीवरी बढ़िया से किया जाए क्या कपड़ा उपड़ा उड़ा के
क्या बोल रहे हो? अरे गाड़ी कहाँ है भाई, गाड़ी नहीं दिख रहा है। अरे यार गाड़ी कहाँ है, गाड़ी नहीं दिख रहा भाई साहब। अंदर में BMW खड़ा है, अभी से यहाँ फॉर्च्यूनर यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब। पूरा पूरा निकला था। अरे i10 कहाँ है यार, फॉर्च्यूनर है यहाँ पे। ओहो ये क्या है? अरे यार ये तो प्यार है भाई, इलेक्ट्रा। सो ये चेक करो भाई, बॉयज ये रहा फाइनली कार हमारा। एंड ये लोग से पूछते कि कैसा क्या है, नहीं है। ए, ए, बंद कर, बंद कर दे। तब क्या बोल रहा साहिल भाई, गाड़ी कैसा है? गाड़ी तो सही है। हाँ क्या बोल रहा आसिफ भाई, कैसा लग रहा गाड़ी? जब से गाड़ी लिए है अभी तब से खाली आसिफ इसका यही चला रहा है, सब एप्स वेप्स इसमें डाउनलोड कर रहा है, क्या मालूम क्या क्या कर रहा है। बाकी अभी गाड़ी का थोड़ा सा गंदा है, मतलब थोड़ा सा क्या, गंदा तो है, दिख रहे हो भाई सब ब्लैक ब्लैक में पूरा दिख रहा है। इसको टिंट कराना है, ये सब गंदा है। गाड़ी वॉश करा के घर जाएंगे। तो फटाफट से अभी क्या करना है कि साहिल से मेरा बाइक लेके निकल जाएगा, हम लोग कार लेके वॉश करा के निकलेंगे फिर एक ही बार इसके लिए, देख लो। बाकी थोड़ा कार गंदा है, वॉश करवा लेते हैं फिर निकलते हैं। बस गाइस फाइनली हम लोग वहाँ से अपना कार का डिलीवरी तो नहीं बोल सकते भाई साहब, कार लेके निकल चुके हम लोग, लेके निकल चुके हैं। एंड ये पावर सुनना, ये 1 2 3 ये आ गया भाई साहब, ऑटो आ गया आगे में भाई, मतलब क्या अलग लेवल का पावर आ रहा है इसमें, मतलब कि बता के नहीं। एंड ये चेक करो भाई, ऑटोमेटिक, ये कार मैनुअल नहीं है तो ये ऑटोमेटिक है। एंड इसका एसी वगैरह भी काफी मस्त चिल कर रहा है, एक नंबर चिल कर रहा है। एंड साउंड वगैरह भी भाई साहब मस्त चल रहा है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। बाकी फटाफट से हम लोग चल रहे कार को वॉश कराने के लिए, वॉश करा के पावर सुनना खींचने का। ऑटोमेटिक कार हम लोग पहली बार, हम लोग नहीं मतलब हम पहली बार चला रहे हैं, मजा आ रहा है। जो पेडल दे रहे ना भाई साहब, वो थ्रोटल का साउंड आ रहा है, ओहो मजा आ गया। एंड एसी काफी ज्यादा चिल्ड है, फॉर्च्यूनर का तो मेरा चिल्ड है ये, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि छोटा कार का भी ऐसा एसी होता है, बट मस्त मस्त है। बाकी धूप निकल गया बॉयज, ये चेक करो बाहर का वेदर काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, एंड अंदर का वेदर तो और अच्छा हो गया है। एंड एसी सिर्फ हम लोग 2 नंबर पे चला रहे हैं, मतलब 2 पावर पे चला रहे हैं, बट काफी ज्यादा कूलिंग है। एंड चलते फटाफट से कार वॉश कराते हैं। साहिल भाई साहब पहुंच गए हैं वहां पे, खड़ा होकर फोन कर रहे हैं, हम लोग बोले बस 2 मिनट का ही पीछे उससे। बाकी फिर लेट्स सी, घर में जाके मम्मी भी कार देखेंगी, पापा भी देखेंगे, एंड सब लोग देखेंगे। सेकेंड कार फाइनली डन हो चुका भाई साहब, फिलहाल अभी आ चुके हैं हम लोग वॉशिंग सेंटर में। और ये चेक करो भाई, ये रहा हमारा कार, धुलने पे चला गया, अभी वॉशिंग हो रहा है पूरा कार भाई साहब। सो कार वॉश तो हो चुका है कंप्लीट, बट ये चेक करो भाई, बारिश आ गया, नेचुरली कार वॉश हो गया, मतलब कि कार वॉश कराया कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, फिर गंदा हो जाएगा गाड़ी, अभी घर जाते जाते गंदा हो जाएगा। देखो तब तक छुट्टी आ चुके हैं भाई साहब कार को लेके घर, ये चेक करो घर आ गया है। एंड यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके हम लोग यहाँ से गाना सुन लेते हैं। बाकी फिलहाल अभी मम्मी बैठी है कार में, देखो इधर छुप के बैठी हुई, इधर कैसा लग रहा है गाड़ी, कैसा लग रहा है बता दीजिए। मम्मी बोली कि हम कैमरा में नहीं आएंगे तो गाड़ी कैसा लग रहा है? अच्छा है माशाल्लाह, माशाल्लाह अच्छा है। और आसिफ देखो बाहर से, क्या हुआ अरे क्या हुआ? अरे गाड़ी बाहर करिए यार, बाहर घूमने जाएगा। यस चलो, पूरा की टेस्ट ड्राइव चलना है मम्मी के साथ में। चलो बाकी मम्मी को आते एक बार कार से घुमा के कैसा लग रहा है कैसा नहीं। चेक करो बॉयज, ये रहा हमारा न्यू कार, मतलब आज जिसको लेके आया है, और वो रहा बॉयज अपना फॉर्च्यूनर, देख रहे हो भाई साहब गराज में, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिलहाल बारिश हो रहा, चलते हैं घर। सो इस बॉयज फिलहाल अभी आ चुके हैं घर, एंड चेंज वगैरह कर लिए है भाई साहब, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश है। दो कार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एक अपनी फॉर्चुनर और एक अपना i10। अभी फिलहाल बारिश का मौसम आ चुका है, मतलब कि बरसात आ गया, तो अब बारिश होते रहेगा अभी भी बारिश कंटिन्यू हो रहा है।
बट कोई नहीं, आज जिम भी चलना है तो आज न्यू कार लेके चलेंगे भाई साहब जिम में, एंड फिलहाल लोकल यूज़ के लिए सही है यही यूज़ करेंगे। बाकी फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को कार कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट करना ज़रूर से। और ये देखो भाई आयबा कैसे यहाँ पर सो के है, अरे मुँह कहाँ है आयबा का, ये देखो। तो फिलहाल इसको सोने देते हैं एंड हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उठ के फिर मील वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं अपना फटाफट से। सो यस फिलहाल अभी अपना मील वगैरह बनाए थे, चेक करो बॉयज मेरा जो शेक शेक गेनिंग शेक भाई सब, ओट्स पीनट बटर मिल्क बनाना खजूर और ड्राई फ्रूट्स और क्या आसिफ, ये क्या 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 चल रहा है, ये टोटका है दोस्तों। हाँ कौन सा टोटका है ये आसिफ, जो अंडा वाला पेटी होता है उसको जला के क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा आसिफ, इससे पैसा आएगा घर में। हाँ घर में पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, अंधा पैसा आएगा, नुस्ता पैसा भाई साहब। देखो ये मच्छर वगैरह के लिए जो कीड़ा वगैरह क्या होता है कि बारिश में कीड़ा आने लगता है, उसके लिए वो जला जला के पूरा घर में धुआं धुआं कर रहा है, मतलब क्या बोले, अब बोलता है टुटका है। सो फटाफट से भी निकलते हैं जिम, कार लेके चलना है, यहाँ ये सारा सामान रेडी कर लिया है, टॉवल है, पानी है, शेकर है, एयरपोर्ट्स है, जिम बैग उठाते हैं और सीधे निकलते हैं जिम के लिए। तो यस बॉयज फिलहाल अभी घर से निकल रहे हैं जिम के लिए, ये चेक करो कार यहाँ पे खड़ा है, बारिश में भाई सब भीग रहा है कार, देख रहे हो, आज ही वॉश कराया एंड बेकार हो गया, मतलब फुल पैसा वेस्ट हो गया वॉश कराने का। बाकी चलो जितना भी बारिश होना है भाई हो ले, हमको कोई फिक्र नहीं है बारिश का, क्योंकि अब ठीक है जिम बैग यहाँ पे रख चुके हैं, बाहर बारिश हो रहा है, ये क्या है भाई सब, अच्छा सामने पत्ता गिरा हुआ है। चलो बाकी फटाफट से निकलते हैं जिम के लिए, वर्कआउट वगैरह करते हैं उसके बाद लेट्स सी। सो फिलहाल अभी वर्कआउट वगैरह हो चुका है कंप्लीट, चेस्ट मारे थे बॉयज चेस्ट, अभी फिलहाल निकलते इधर से घर के लिए। ये देखो भाई कार का हालत, एंड बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, मतलब बारिश हो ही रहा है। चलो भाई साहब मेरे को अभी तक इसका की नहीं पता, चलो खुल गया भाई साहब, फटाफट से चलते हैं अब घर, घर जाके गाड़ी के साथ भी पार्किंग वगैरह का इंतजाम करना है कुछ ना कुछ। सो भाई साहब गाड़ी में आके मस्त भाई आता, मतलब इंटीरियर देख रहे हो भाई, क्या बताया आपको, इंटीरियर जितना मस्त है ना, मस्त इंटीरियर है। बाकी यहाँ से भाई अच्छा सा एंगल है, ये वाला एंगल बहुत अच्छा है। बाकी फटाफट से अब सीधा निकलते घर, बारिश के मौसम में अब करना भी क्या, ऐसे रुक के वहाँ पे अंडा वंडा खाते हैं, बट वो शॉप बंद था टाइम में हम देखे थे, अब घर चलो भाई। सो यस फिलहाल अभी आ चुके हैं घर, एंड भाई साहब अभी थोड़ी देर के अंदर करेंगे अपना डिनर, एंड अभी फटाफट से मेरे को व्लॉग एडिट करना है। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, होप करते वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।